अब तो बर्फ भी पड़ने लगी है यार। आई हाय मजा, दिखा देता हूँ मेरे जैकेट पे, देखो बर्फ पड़ गई है। बर्फ उतनी मोटी भी नहीं है, बर्फ हल्की हल्की पड़ रही है। और यार बारिश अभी बंद हुई और अब बर्फ पड़ रही है, तो देखते हैं कितना रह गया। अब अच्छा थोड़ा सा ही है, बोल रहे वहाँ ऊपर, तो चलो। तो यार गाइस हम पहुँच गए यहाँ पे और ये है मंदिर, देखो थोड़ी बहुत बर्फ पड़ गई है। और ये आ गए अपने भाई लोग, और यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया है बाबा जी की, तो यहाँ पर रहते हो। और मैं आपको कौन बताता हूँ, एक बार दिखाता हूँ, चलो यहाँ का सपना भी पूरा हुआ इस टाइम पे। एक बार आना था यहाँ कि यार ताराकुंड घूमना है एक बार, तो यहाँ देखो ये कुंड है। और 4 बजे के टाइम पे यहाँ पे ब्रह्मकमल भी खिलता है बीच में, तो मैंने सुना था कहीं कि यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम पे 4 बजे के टाइम पे यहाँ पर ब्रह्मकमल खिलता है। और यहाँ पे बीच में इतनी बर्फ़ पड़ गई थी, मतलब काफ़ी हाई तक बर्फ़ पड़ गई थी, मतलब ये सब कुछ ढक रखा था। और अभी भी थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, और अभी थोड़ी देर पहले बर्फ़ भी पड़ रही थी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो देख सकते हैं आप इधर एकदम बढ़िया व्यू है, और वहाँ पर चलो फोटो सेशन देख रहे काफ़ी जी। और यार मंदिर तो गजब ही है यार, माना जाता है कि ये देवताओं ने बना रखे थे बहुत पहले, आज से हजारों साल पहले ये देवताओं ने बनाया था। यहाँ पे एक ग्राउंड छोटा सा, और उधर भी काफ़ी मतलब ऊपर की हाइट, तो वहाँ पता नहीं वहाँ भी कुछ झंडे हैं, वहाँ पे कुछ देवता का स्थान होगा। तो यार देख सकते आप क्या बढ़िया ही व्यू है। तो मंदिर में हमने दर्शन कर लिए और थोड़ा देर बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि बाबा जी चाय बना रहे हैं और आपको बाबा जी के दर्शन भी कराएंगे। तो चलो, तो ये रही बाबा जी की कुटिया। तो बाबा जी आप हमको यहाँ मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे जी। हर हर महादेव, जय शंकर, जय ताराकुंड महादेव जी। तो ताराकुंड का महत्व ये है कि माँ तारा ने यहाँ पे त्रेता युग में साधना करी थी जी। उनकी साधना देके भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें यहाँ पे दर्शन दिए। और जो मंदिर ये ताराकुंड जो कुंड है वहाँ पे, वो 9 बांस गहरा कुंड है, वहाँ पे 9 बांस पे डाल दिए गए थे, वो भी डूब गए थे, इतना गहरा है। अच्छा। से एक प्राकृतिक कुंड है, एक छोटी सी झील भी है यहाँ ताराकुंड में ना। हाँ, झील क्या करती है, 2200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित ताराकुंड, समुद्री तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ताराकुंड महादेव। यहाँ पे ऐसा आते कोई भी भक्त अगर भाव रूप से जब यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जो उसको पूरे रास्ते में थकावट लगती है वो पूरी खत्म हो जाती है, उसको एक पीसफुल फीलिंग आती है, बहुत बेहतरीन एनर्जी आती है। और बहुत दिव्य स्थान है यहाँ से, पूरा वातावरण यहाँ का जो है बड़ा शुद्ध और स्वच्छ है, यही यहाँ का महत्व है। यहाँ पे जो मंदिर का जो पूरा निर्माण करवाया वो समाधि है, वहाँ पे गंगापुरी महाराज जी के द्वारा मंदिर का जो पूरा निर्माण, जीत सिंह भंडारी जी थे बैठाने निवासी, उन्होंने इस मंदिर का पूरा निर्माण करवाया। कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग जब स्वर्गत होने के टाइम पे यहाँ से पांडव स्वर्गत होने जा रहे थे, उस दौरान पांडव ने कुछ इस मंदिर का कुछ निर्माण पांडव के द्वारा भी, वही बता रहा था इनको भी। हाँ जी हाँ जी, लेकिन जो पूरा निर्माण करवाया वो गंगापुरी महाराज जी के द्वारा करवाया गया है, मंदिर का जो पूरा निर्माण करवाया गया ये है। यहाँ पे बहुत मंत्रमुग्ध जो कोई यहाँ पे भक्त आता है भाव से, उसको मंत्रमुग्ध यहाँ पे अनुभूतियाँ प्राप्त होती है। ताराकुंड का यही यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व है। हर हर महादेव जी, धन्यवाद। तो यार गाइस हम वहाँ से निकल चुके हैं, और ये पता नहीं कौन सा मार्केट है, हमको कुछ पता नहीं, बड़े से आगे है। और एक बार व्यू देखो यार, भाई क्या गजब का व्यू बन रखा है यार इस टाइम पे। और हम वहाँ से निकल गए, मैं व्लॉग नहीं बना क्योंकि बारिश हो रही थी वहाँ, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया। और अभी हम खा रहे हैं चाउमीन, क्योंकि यहाँ पर चाउमीन के अलावा कुछ और मिलेगा नहीं। तो अभी के लिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आप सभी को किसी नए फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाय बाय।